हाय पान भाई, कैसा लग रहा है आपको गोश बनाते हुए? आज सही का सही बुलाया मैंने भाई, बड़ी दूर से देख रहे स्पीड। ओए भाई ऐसा नहीं करो, बहुत कुछ कर सकता है इस तरह। ये व्लॉग में आएगा भाई सारी चीज़ें आपकी। तो भाई साहब ये चेक करें आप, बोटियाँ बन चुकी हैं। इरफान भाई बड़ी ज़बरदस्त बोटियाँ बना के गए हैं, धो के भी गए हैं, लहसुन छिल गया है और ये है दुंडे का गोश्त। इसकी बनाएंगे आज हम लाइव कढ़ाई, ज़बरदस्त धो के गए हैं। और ये सब अब इसमें सिर्फ मसाला वगैरह लगाना है बोटियों में, कच्चा पपीता लगेगा। वो सब भी आ गए हैं इधर टिक्का पार्टी के लिए, रेडी हुए हुए हैं। कच्चा पपीता पिस गया है, ये अम्मा ने मेरी बनाया है दही जमाए हुए, छोटी छोटी प्यालों में दही जमा देती हैं हमारी अम्मा। यार ये लहसुन अदरक अब इसको करेंगे ग्राइंड। इसमें भाई मुश्किल हो रहा है, ग्राइंड नहीं हो रहा, तो उसको ना प्याजी में डाल के ग्राइंड करते हैं। पहले इसको दिखाओ कि दही लहसुन अदरक और कच्चा पपीता मिक्स हो गया इसके अंदर। अब कितने चम्मच ऐड करना है इसको? अब इसमें जो है ना तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच या 5 चम्मच मिर्चें, 3, 4, 4.5 कर दी भाई। मसाले तैयार हो रहे हैं और इधर बारिश तेज़ हो गई है, अब पता नहीं लोग आते हैं नहीं आते, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। अब मसाले डल रहे हैं और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है, बच्चे सारे। बारिश हो गई, दिखाओ बंदा को, दिखाओ मेरे, बारिश हो गई थी भैया तो नागे क्यों नहीं आए? ये मसाला है खास घर का बनाया हुआ, इसकी रेसिपी मैं बताऊंगा नहीं किसी को। चलो जी ये भी डल गया, अब इसको मिक्स करने की बारी आ रही है। अम्मा चली जाऊंगा भाई, गर्मी में तो बड़ा बुरा हाल हो गया और मसाला सारा मिक्स हो गया। ठीक है अब इसमें लगेगा गोश्त, धो के गए थे इरफान भाई हमारे, बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। इसको हाथ से करेंगे तो हाथों में मिर्चें आ जाती हैं, मिर्चें लगने लग जाती हैं हाथों में, तो इसलिए इसको सेफ साइड चलना है। और इसको हमने चम्मच से मिक्स करना है। ठीक है गोटे ज़्यादा हो गई तो इरफान बोलेगा मुझे दे दो यार, ये घर पे ले जाऊँगा। और अगर ये इरफान को देता ना मैं गोश्त तो ये इतना तो गोश्त इरफान अपने घर पर रख लेता। ये जो गोश्त है ना ये अगर इरफान को देता है, हमेशा इरफान जो ना गोश्त गाड़ लेता है।
चलिए बेटा चलिए, मम्मा की तुम्हारी वजह से फंसी नहीं था। करीब है करीब जरा हाथ में दर्द हो गया। बहुत अच्छी है, फर्स्ट टाइम ली है भाई मैं ये। सारा गोश्त मिक्स कर दिया इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप ऑयल भी डलेगा ताकि जो है ना बोटियाँ नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो भाई साहब ये हो गया हमारा, रोटियाँ तैयार, मसाला लगा दिया गया 3-4 घंटे के बाद। इंशाल्लाह इसको पकाने की बारी आएगी। और फिलहाल अभी यखनी के लिए दुम्बा हमने रख दिया है, दुम्बे को बॉयल करेंगे थोड़ा सा, यखनी बनाएंगे और यखनी। तो भाई अब जो है ना इस दुम्बे को हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे ताकि जो है ना कढ़ाई हमारी जल्दी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो फाइनली भाई जिसका इंतज़ार था सब लोग आ चुके हैं और आज की हमारी पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे स्कूल के सारे दोस्त आए हुए हैं, तो शाम से मेहनत चल रही थी इरफान भाई की और मेरी। तो अभी दिखाएं क्या क्या काम हो गया है और क्या क्या चल रहा है। अभी आग लगाई जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब्दुल्ला भाई स्पेशली हमारे जर्मनी से आए, यहाँ पे आग लगाने जर्मनी से आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आग बहुत अच्छी लगाते हैं, सही है। और इनाम भाई एक प्रोफेशनल शेफ हैं, सही है। और बड़े प्रोग्राम किए हमने इनकी छत पे, लाइव कढ़ाइयाँ भी बनाई हैं, सब बनाई है। मंसूर भाई यहाँ साइड पे पक्के जमाती हैं और यहाँ भी मंजन बेच रहे हैं जिस तरह पहले बेचते आए लोगों को ना। ये गए अफजाल भाई के कज़न है, वो भी आए हैं, श्याम भाई भी यहाँ पे। माशाल्लाह बोटियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और सीखें धोती हैं, सैलेड भी तैयार है, बस कढ़ाई का भी सामान रेडी है। बस कुछ ही देर में भाई आग ज़रा जल जाए, आग के लिए अब्दुल्ला मेहनत कर रहा है। ये मेहनतें जा रही हैं लेकिन अभी तक आग पकड़ नहीं पा रही है। इसको बंद कर दे यार, एक समझा कर बंद कर दे भाई, जरा फैन बंद कर दो। इरफान भाई, इरफान भाई आपका तारुफ नहीं होता, आप ज़रा बताएं कि क्या क्या चीज़ें हमें कढ़ाई के लिए चाहिए होंगी, दुम्बे की कढ़ाई बनाने के लिए। इंशाल्लाह हम लाइव कढ़ाई बनाएंगे आज, और गोश्त ऑलरेडी हमने बॉईल करके रख दिया है वहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ऐसे गोश्त ये बॉईल करके रख दिया हमने, सही है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं सारे, सही है। मसाले वगैरह तो इधर रखे हैं, बनाएंगे बाकी जो है सारा काम नीचे से फैमिली ने तैयार करके हम लोगों को दिया हुआ सब कुछ। तो यहाँ सब हम चीज़ें ऐड करके इंशाल्लाह इसको बना देंगे। बारबेक्यू एक तरफ चलेगा और एक तरफ जो है दुम्बा कढ़ाई बनेगी हमारी ना, ठीक है भाई। ठीक है भाई, और बस प्रोग्राम बस स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, आपको नेक्स्ट में फिर अपडेट करते हैं आगे क्या हुआ। तो जनाब ये कढ़ाई भी रेडी हो गई है, तेल गरम कर दिया है, सीखें भी लग गई हैं, कुछ सीखें बन भी गई हैं। बस उस तरफ कढ़ाई के नीचे तो ये है ना, इसको चलने दो आपको। लेकिन नाज़रीन अफजाल भाई ने इतनी मेहनत करी है, ये अफजाल भाई के कपड़े यहाँ से भी ख़राब हो गए, यहाँ से भी ख़राब हो गए भाई, क्यों मुझे और फर्स्ट टाइम जो है ना हमारे लिए मिर्च काट रहे हैं ना। और मंसूर भाई हमारे सीखों में मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कढ़ाई का और रोटी का वीआईपी सेटअप ऑन है। अभी तो फिलहाल तैयार हो रही है, खा के बताएंगे कैसा टेस्ट है। बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं, तो भाई कढ़ाई अब स्टार्ट हो गई है, इरफान भाई मेहनत कर रहे हैं इस पर, इसको घुमाना ही क्या चल रही है। तो भाई इरफान भाई क्या पोजीशन है अभी कढ़ाई की? कढ़ाई तकरीबन हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो स्पाइसेस कम थे वो ऐड कर दिए। अबे आ क्यों नहीं रहा? कह रहे अच्छे में बिकी की तो बोल रहा हूं। आ क्यों नहीं रहा?
नमक भी कर लेंगे। सही है माशाल्लाह भाई, मज़ा आ गया, गोश्त भी गल गया और नमक सही था इरफान। यानी एक काम कर, परांठे वाले को फोन कर, सब रेडी है, सर्व करना है। आप परांठे वाले को बोल दिया कि परांठे आ रहे हैं, बने और काम हो जाएगा। आज टेस्ट करो थोड़ी सी, ये हो गई है कढ़ाई, कुर्ता बन रहा है, इसको छेड़ना नहीं है ज़रा सा। अबे सही है यार, ये हाथ, ये क्या है, ये हाथ धोए वाला पानी डाल दूँ क्या? हाथ धोने वाला पानी डालेगा इसके अंदर, चलता है इसमें क्या? अबे नहीं यार, ये हाथ धोने वाला पानी मत डाल भाई, क्या पता थोड़ा सा डाल। अरे भाई इसने हाथ धोने वाला पानी डाल दिया इसके अंदर कढ़ाई में, पहले कुल्लिया ना डाला। सही किया, सही किया। लो भाई अदरक है, अदरक साबुत थोड़ी सी मंगाई ना। चलो यार मंसूर, अबे कितनी बहुत है अबे, अबे भाई डब्बे में कुछ भी नहीं है, सब गया माल, गायब हो गया। तुम बताओ ना कहाँ गायब है, जो व्लॉग बना रहा है वो बताया कहाँ गया माल? भाई ये गायब होता जा रहा है माल। मतलब ये कि हम लोग ये बनाने के लिए आए हैं कि हम बनाएं ये, तो भिजवाता नहीं थे आप जो इससे सर्विसेज लिए हैं, इससे हमारी सर्विसेज लिए हैं। घर वालों को बोला है कि मैंने अपने दोस्त बनाए, तुम लोग दावत दी थी, ये पता है क्या, इस वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मांगता ये, बोलते हैं तुम लोग आ जाओ यार ऐसे हो छोड़ो। इसलिए मैंने घर वालों के बंदे बुलाए थे, दावत घर वालों की। अभी मैं इससे कुछ नहीं, राष्ट्रीय सी फूड पे डाइनर प्रोग्राम यही बंदे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तुम नहीं होगा, ये नहीं होगा, मंसूर नहीं आएगा, नहीं होगा, कढ़ाई बन गई है और नॉर्मल है। क्या पोजीशन है कढ़ाई की, चेक करो आप। नींबू डाल, नींबू मार मार, नहीं नींबू नहीं डाल भाई, मेहनत तो बहुत की है, अभी यही बताएंगे कि कैसी कढ़ाई बनी है। बहुत किया, जरा नीचे मालूम करो कितनी मेहनत की है। मेरे दोस्तों ने मेहनत बहुत की है और अब ये के स्टार्टिंग हो गया। आप भाई इरफान भाई क्या पोजीशन है? सब कढ़ाई बनेंगे अपने माल की। आप भाई शाम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, चेक करके बताओ भाई। चलो अभी पहले खाना खा लें, फिर आपसे डरता मजा नहीं आ रहा। ये हमारे भाई जा रहे हैं वाले, ये बहुत देर से आए हैं और जाने का बोल रहे थे, हमने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, चपाती दिए गए, चपाती पहले ये बन जाए, बड़ी मुश्किल से रोका हुआ इनको। अब चलो थोड़ी देर रुक जाए, खा ले यार थोड़ा सा। मैंने खाया, मैंने बॉडी चख लिया बस। दम पर हाय फन भाई, क्या कर रहे हो? भाई दम लगा रहा हूँ, चाय को बिल्कुल रेडी है। अच्छा माशाल्लाह, चाय करें 5-10 मिनट सर्व करो। इससे घुमा रहे हो चाय? नहीं नहीं कोयले से ऐड कर रहा हूँ भाई इससे। अच्छा वो तो फिर वो जो सीते हैं वही डाल रहा हूँ इसके अंदर, चाय के अंदर। अच्छा बताओ भाई कैसा आज आपने जो आप मेहनत की कढ़ाई बनाई? और नहीं यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अफजाल भाई हर साल हमारे लिए इंतज़ाम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसको आए जो आए खाए। हाँ और बड़े दिल से करते हैं और आसरा नहीं करते खिलाने पिलाने, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे। और कैसा लगा वैसे कढ़ाई आपने जो बनाई? कढ़ाई बहुत उमदा बनी, थोड़ा स्पाइसेस कम थे लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कढ़ाई का। बारबेक्यू में थोड़ी स्पाइसेस हो गया था। हाँ बारबेक्यू में थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा हुए थे और कढ़ाई में थोड़ा स्पाइसेस कम हुए थे, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा मेरा आता है, ये बोलता है मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दे। क्या चाहिए भाई अभी? कोल्ड ड्रिंक चाहिए। चलो भाई ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ले जाओ भाई कोल्ड ड्रिंक सब ले जाओ। तो भाई आप मुझसे रिव्यू मांग रहे हो, असल रिव्यू जो मिलेगा ना आपको वो नीचे से मिलेगा यार। क्या आपके दोस्तों ने कैसा बनाया सब बदल जाएगा, उसकी जो टिक्की लगाने की मेहनत थी, आपने घर वालों की दावा के चक्कर में हमें इस्तेमाल कर दिया। हाँ क्या बोलते भाई? भाई मुझे बहुत टिक्की लगा है, हमें जलन हो रही है। अच्छा तेल वेल ला दो, पूरा तेल रखा हो भाई, तेल लगा ले। ये हाँ ये वाला तेल लगा के तो और ना और जलन हो जाते, ये तो गर्म करके वापस फैलन लबड़ी भाई। मैं सांडे का तेल डाला था क्या कढ़ाई में? थोड़ा सा डाल दिया सांडे का तेल। बोलते की शक्ल क्यों दिखाई? आए नाम भाई कैसे? हाँ क्या बोल रहे भाई? भाई मुझे बहुत टिक्की लगा है, हमें जलन हो रही है। अच्छा तेल वेल ला दो, पूरा तेल रखा हो भाई, तेल लगा ले। ये हाँ ये वाला तेल लगा के तो और ना और जलन जाते, ये तो गर्म करके फैलन लबड़ी भाई। मैं सांडे का तेल डाला था क्या कढ़ाई में? थोड़ा सा डाल दिया सांडे का तेल। बोलते की शक्ल क्यों दिखाई? सांडे का तेल बोलते हुए आए थे नहीं यार, आवाज नहीं आ रही। नाम भाई आप क्या आज खाना पेट भर के नहीं खाएगा? नाम वो बोला गैस कम थी, वो
इनको भी कहते आखिरी में दिख रही है मेरे को दो साल बाद। अच्छा तो आवाज जो है ना दब गई। अच्छा अब इंशाल्लाह चाय पियेंगे ना। ये कट्टे का दूध है, कट्टे का दूध निकाला। हाँ वैसे भाई माशाल्लाह बेहतरीन जबरदस्त, और कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी और बारबेक्यू भी बहुत अच्छा था। अभी जो है ना कोयला जो है ना चाय बन रही है, तो उसको भी इंशाल्लाह एक्सपेक्ट है कि वो भी अच्छी बनेगी। भाई माशाल्लाह तमाम लोगों को खाना पसंद आया, बारबेक्यू भी और कढ़ाई भी। अब देखते हैं चाय बनाने गए हैं ये हमारे इरफान भाई, चाय की मेहनत कर रहे हैं। देखें चाय भी अगर सब चाय का कलर तो बहुत अच्छा आ रहा है, चाय में ज़रा बॉयल आ जाए फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकालेंगे चाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भाई इरफान भाई ने बहुत ज़बरदस्त चाय पिलाई, मज़ा आ गया। नहीं चाय बहुत अच्छी थी, वीआईपी बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत उमदा चाय। मैंने थोड़ी सी पी, मेरी एक बदकिस्मती भी थोड़ी सी दी, थोड़ी डंडी मार दी अफजाल भाई ने। चले भाई फिर किसी दिन लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।